हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं आंखों की हेल्थ के लिए विटामिन ए और विटामिन सी के बारे में। आंखों की हेल्थ के लिए विटामिन ए और विटामिन सी से भरपूर फूड का सेवन करना कभी भी फायदेमंद साबित होता है। इन फूड की मदद से आंखों की रोशनी तेज़ होती है और हमें हर चीज़ साफ साफ नज़र आने लगती है। आंखों की रोशनी के बिना हमारा जीवन रंग सुना हो सकता है, लेकिन आजकल की लाइफस्टाइल और जिस तरीके से हमारा स्क्रीन टाइम बढ़ रहा है, उससे कम उम्र से ही लोगों को आंखों की रोशनी कमज़ोर होने लगी है। यहाँ तक कि छोटे छोटे बच्चों को भी आंखों में चश्मा लगाने की ज़रूरत पड़ रही है। इसकी सबसे बड़ी वजह मोबाइल की स्क्रीन का टाइम ज़्यादा होना और साथ ही साथ अनहेल्दी फूड भी है। अगर हमें सही से विटामिन ए, विटामिन बी, सी, ई और मिनरल्स मिले तो हमारे की आँखों की रोशनी बरकरार रह सकती है। आँखों की रोशनी को तेज़ करने के लिए आप कई अलग अलग तरीके के विटामिन और मिनरल्स खा सकते हैं, लेकिन हमें हर रोज़ हेल्दी डाइट लेनी ज़रूरी है। इसके बावजूद अगर आपकी आँखों की रोशनी कमज़ोर हो रही है, आपको पढ़ने में दिक्कत हो रही है या आपको बहुत ज़्यादा नंबर का चश्मा लगाने की ज़रूरत पड़ रही है, तो चिंता करने की कोई बात नहीं है। इसके लिए आप चश्मे का नंबर बढ़ाने के बजाय सीधे डाइट पर ध्यान देना चाहिए। अगर आंखों की रोशनी कमज़ोर हो गई है और चश्मे का नंबर बहुत ज़्यादा है, तो आपको मैं यहाँ कुछ ऐसे सुपर नेचुरल जूस का इस्तेमाल बता दूंगा, जिनकी मदद से कुछ ही दिनों में आपके चश्मे का नंबर काफ़ी कम होना शुरू हो जाएगा। ये सारे सुपर नेचुरल जूस आपकी आँखों की रोशनी बढ़ाने में मदद कर सकते हैं। इस लिस्ट में सबसे पहला जूस आता है ब्लूबेरी का जूस। ब्लूबेरी अपने आप में सुपर नेचुरल फ्रूट है। ब्लूबेरी में कई तरीके के एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं, जो आंखों के रेटिना को हेल्दी बनाए रखने में मदद करते हैं। इसके साथ साथ ब्लूबेरी रेटिना को एक्स्ट्रा कोलेजन की प्रोटेक्शन भी करती है। ब्लूबेरी में विटामिन ए और विटामिन सी भरपूर क्वान्टिटी में होता है। आँखों की ओवरऑल हेल्थ को बूस्ट करने के लिए ब्लूबेरी का जूस काफ़ी फायदेमंद है। इसके इस्तेमाल से आंखों की रोशनी तेज़ भी होती है। आंखों की रोशनी तेज़ करने के लिए दूसरा जूस जो आप इस्तेमाल कर सकते हैं, वो टमाटर का। टमाटर का जूस विटामिन सी के खजाने से भरपूर होता है। टमाटर का रोज़ सेवन करने से मोतियाबिंद की बीमारी या उससे होने का जोखिम कम हो जाता है। टमाटर में भी कई तरीके से के विटामिन होते हैं। इसके साथ साथ इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, जो आंखों की ओवरऑल हेल्थ को मदद करते हैं। आप टमाटर का सूप भी बनाकर पी सकते हैं। तीसरा जूस जिससे आंखों की रोशनी बढ़ेगी, वो है गाजर का जूस। आंखों की रोशनी तेज़ करने के लिए लोग कई तरीके से गाजर का जूस का इस्तेमाल करते हैं। इसके फ़ायदे आपने कई बार सुने भी होंगे। गाजर विटामिन ए का एक भरपूर सोर्स है। इसमें बहुत अधिक मात्रा में विटामिन ए और बीटा कैरोटीन पाया जाता है, जो हमारी आंखों की पुतली को मजबूत बनाता है। विटामिन ए आंखों की रक्षा भी करता है। आंखों की रोशनी बढ़ाने के लिए चौथी चीज़ जिसकी मदद आप ले सकते हैं, वो है केला या पालक। केला या पालक जैसी हरी पत्तीदार सब्जियां आपकी आंखों की रोशनी बढ़ाने में बहुत हेल्प कर सकते हैं, लेकिन इसमें से किसी भी एक चीज़ को आप एक टाइम में इस्तेमाल करें। केले और पालक में बीटा कैरोटीन और विटामिन ए भरपूर क्वांटिटी में होता है। आप कभी कभार पालक का जूस बनाकर भी पी सकते हैं। ये भी आंखों की ओवरऑल हेल्थ को बेहतर करने में मदद करता है, हालांकि इसकी कम मात्रा में ही इस्तेमाल करें। पांचवा जूस जो आपकी आंखों की रोशनी बढ़ाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं दोस्तों, वो है संतरे का जूस। संतरे के जूस में जिसे हमने से बहुत सारे लोगों ने कई बार इस्तेमाल भी किया होगा। संतरे के जूस में कई अलग अलग मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ होती है। संतरे में भरपूर क्वांटिटी में विटामिन सी और ई पाया जाता है। ये दोनों विटामिन आंखों के लिए क्लीनर का काम करते हैं। जब आपकी उम्र ज़्यादा हो और आपकी आंखें कमज़ोर होने लगे, तो उस वक्त में आपको संतरे का जूस ज़रूर इस्तेमाल करना चाहिए। तो दोस्तों, ये थे ऐसे 5 जूस जिनकी मदद से आपकी आंखों की रोशनी बढ़ सकती है, आपके चश्मे का नंबर कम हो सकता है। अगर आप इसमें से किसी भी समस्या से जूझ रहे हैं, तो इन 5 जूस में से किसी एक जूस को ज़रूर ट्राई करें। तो दोस्तों, ये थे आंखों की रोशनी के बारे में कुछ डिटेल इन्फॉर्मेशन। आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।